दोस्तों रियलमी ने मार्केट में आग लगा दी। रियलमी लेके आया अपना नया किलर ब्लूटूथ स्पीकर, जिसकी प्राइस कह सकते हो आपको अराउंड 1000 के अराउंड आपको देखने को मिलती है, जिसमें प्राइस इसको देखते हुए काफ़ी अच्छी स्पेक्स आपको देखने को मिलती है। और रियलमी का कहना है म्यूजिक इन योर पॉकेट, वो तो वीडियो में आगे ही पता चलेगा। क्या बेबी को बेस पसंद है? यार तुम्हारी बेबी को कुछ भी पसंद हो, बेस, चॉकलेट, टेडी बियर, फलाना ढिकाना, उससे मेरे को करना है। पता नहीं यार कहां-कहां से आ जाते हैं सस्ते आदमी, तो हम कहते हैं हाँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए हमारी वीडियो का सब नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए जैसे कि हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों जो हमारे Realme की तरफ से एकदम क्लियर ब्लूटूथ स्पीकर आता है, जो आता है Realme पॉकेट ब्लूटूथ स्पीकर, नाम है एड्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीकर के बारे में, इसके ड्राइवर साइज के बारे में। तो इसमें आपको 3 वोल्ट्स के आपको डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा आपको बेस भी आपको सुनाई देगा, थंपिंग भी आपको काफ़ी अच्छा सुनाई देगा। और दोस्तों क्या कहते हो स्पीकर में आपको स्टीयरिंग पेयरिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है, जिसको क्या कहते हो कनेक्ट करने के बाद आपको बेस में काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। साथ में आपको गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप गेमिंग के लिए स्पीकर को परचेज करते हो तो डेफिनेटली आप इस चीज भी कर सकते हो। साउंड इफेक्ट के बारे में बात करूं तो स्पीकर में आपको मेनली 3 तरीके के आपको साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको बेस बूस्ट प्लस इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको डायनेमिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको ब्राइट इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों Realme का कहना है हमारा ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, पोर्टेबल भी है, आराम से आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को कैरी भी कर सकते हो। वेट के बारे में बात करूँ तो 113 ग्राम के राउंड इस ब्लूटूथ स्पीकर का वेट है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। और Realme का कहना है ऑरेंज से ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.0 आपको देखने को मिलता है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। और Realme का कहना है अब हमने कह सकते हो ब्लूटूथ स्पीकर को अपने स्मार्टफोन से 10 मीटर की दूर ले आते हो तो ऑटोमेटिकली ये डिसेबल भी हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना हो कह सकते हो तो Realme लिंक ऐप से आप इस ब्लूटूथ स्पीकर को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, गेम मोड पर भी जा सकते हो, साउंड इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो, कह सकते हो मोड वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। और दोस्तों कह सकते हो और आप अपनी पॉकेट में डाले रहोगे तब भी आप कह सकते हो सबको चेंज कर सकते हो, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि ज़्यादातर ब्लूटूथ स्पीकर क्या होते हैं पास आके हमको सब कुछ करना पड़ता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, पॉकेट में डाले रहो और सबको मोड वगैरह चेंज करते रहो, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों मेन और ख़ास बात इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंट के साथ आता है, तो पानी के छींटे वगैरह ये आराम से सहलेगा। कहीं आप बाहर जाती हो या कहीं बाहर से आते हो पानी के छींटे पड़े हैं या बारिश हो जाए तो आपको टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेरे को लग रहा है प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर में आपको गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो गेमिंग के लिए आप इसके तक तो स्पीकर को जरूर से परचेज भी कर सकते हो। बात करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में, इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो आपको 600 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है और Realme का क्लेम है आपको 6 आवर्स का आपको प्ले टाइम आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों वो डिपेंड भी करता है आप ब्लूटूथ स्पीकर को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा बेस वाले गाना सुन रहे हो 100 वॉल्यूम पे तो कह सकते हो आपको इससे भी कम आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, या कह सकते हो आप 30 वॉल्यूम पे या 40 वॉल्यूम पे गाना सुन रहे हो तो उससे ज़्यादा भी आपको बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो बैटरी बैकअप आप पे भी डिपेंड है, आप ब्लूटूथ स्पीकर को कह सकते हो किस बेसिस के लिए आप यूज़ कर रहे हो। और दोस्तों साथ में आपको टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलता है। चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो 2.5 आवर के राउंड चार्ज होने में पूरा टाइम लगाती है, अगर 2 घंटा होता तो काफ़ी अच्छा होता। कलर्स के बारे में बात करूं तो ब्लूटूथ स्पीकर में आपको 2 वेरिएंट में आपको कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, डेजर्ट वाइट जो मेरे को लग रहा है लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और साथ में आपको क्लासिक ब्लैक भी आपको देखने को मिलता है। प्राइस एंड लॉन्जिट के बारे में बात करूं तो ब्लूटूथ स्पीकर की प्राइस आपको 1099 इस ब्लूटूथ स्पीकर की प्राइस है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी प्राइस है और वैल्यू फॉर मनी है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। और लॉन्जिट के बारे में बात करूं तो ये ब्लूटूथ स्पीकर अपने इंडिया में लॉन्च हो गया है। फाइनली वक्त होता है कॉन्क्लूजन का, मेरे को क्या लगता है ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं। अब दोस्तों कॉन्क्लूजन बिल्कुल सिंपल है, अगर कह सकते हो दोस्तों आप एक नॉर्मल ब्लूटूथ स्पीकर भी परचेस करने जाओगे तो 500-600 रुपये तो वहाँ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट कह सकते हो वहाँ आपको ज़्यादा फीचर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे मानने में कह सकते हो ये ब्लूटूथ स्पीकर 1000 में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा भी हो वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको काफ़ी कमाल के आपको फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। 3 वोल्ट्स के आपको डायनेमिक ड्राइवर्स आपको देखने को मिलते हैं,
रिपेयरिंग मोड आपको देखने को मिलता है, IPX5 वाटर रेजिन के साथ आता है, गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है, माने आपको काफ़ी कमाल कमाल के आपको फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर कह सकते हो आपका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है और टाइट बजट है, आपको एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए, तो आप इस स्पीकर की तरफ जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट्स या जो भी क्वेरीज है रियलमी ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो, तो रियलमी ब्लूटूथ स्पीकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। अगर परचेज नहीं करना, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।